जनाब अगर पता होता ना ऑफ कैमरे का, और तुम कम्युनिस्टों के अगेंस्ट हो, बीजेपी कम्युनिस्टों के अगेंस्ट है, और कोई बोल दे कि भगत सिंह कम्युनिस्ट नहीं थे, मैं मतलब भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे। मैं बेरोजगार हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, LLB कर रखी है, और मैंने BEd कर रखी है। ये देखो मैं चप्पल में घूम रहा हूँ, मैं सही बताऊँ। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताना। GRADUTAI। बस करो, ये क्या ग्रेजुएशन किए हैं आप सबको पता चल गया होगा। बेरोजगारी है क्योंकि नए जॉब नहीं मिल रहे हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में मिल रहे हैं, ना गवर्नमेंट में मिल रहे हैं। अगर नए जॉब मिल रहे होते तो आप जो आपके बिजनेस भी चलते, तो जो उन लोगों ने क्या सही किया सर, सरकार को बताना तो है। अगर आप बोले तो फिर आप ये भी बोलिए ना भगत सिंह ने भी गलत किया, ये बोलिए कि उसने भी गलत किया। भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं उनकी? बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। ये तो भाजपा आतंकवादी से भी तुलना कर सकते हैं, लोग आतंकवादी के साथ पीने वाले, यासीन मलिक के साथ चाय पीने वाले आदमी है, ये यासीन मलिक के साथ चाय पीने वाले हैं। ये यासीन मलिक की बात ना करें, अगर वो आतंकवादी थे तो उनपे आतंकवादी का लगाए ना, उनपे UAPA लगाए ना। देने वाला आदमी है यासीन मलिक के साथ, देने वाले याकूब उमर के साथ, देने वाला आदमी है ये, अफजल गुरु के साथ देने वाला आदमी है ये। पूछो अफजल गुरु जी के सही क्या था, समर्थन कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, तुम इसका समर्थन कर रहे हो, इसका नहीं समर्थन कर रहे हो? नहीं नहीं, ये क्या 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 बोल रहा है, क्या कहां पे बेरोजगार है, किस कहां से बेरोजगार है, कौन बेरोजगार है, बेरोजगार हो क्या, बेरोजगार हो क्या? बिल्कुल मैं बेरोजगार हूं। ये कह रहे हैं कि वो लोग भगत सिंह थे। अरे भगत सिंह जैसे लोग इस टाइप की घटना नहीं करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो आके बात करे। अरे यार क्या कर रहे हो, क्या नाम है भाई साहब, अंकल जी क्या, अपा जी क्या कहेंगे, कह रहे कि जो संसद में हुआ वो भगत सिंह की तरह उन लोगों ने किया। कौन कह रहा भगत सिंह किया भैया? भगत सिंह जो है फांसी भी चढ़े थे, ठीक है ना। अभी जो लड़की पकड़ी गई है वो साल पहले किसान आंदोलन में बैठी हुई थी, वो उसके बाद 6 महीने पहले अभी जो ये जंतर मंतर में जो हुआ था ये पहलवान वहाँ बैठी हुई थी। तो भैया वो लोग ये लोग ट्रेड एजेंडा के दौरान आए थे ये लोग, ये बाकी और 2-3-4 दिन के अंदर इनका दूध का दूध हो जाएगा और ये लोग अंदर जाएंगे इसके अंदर। देश में बेरोजगारी की समस्या इसलिए ऐसा हो रहा है। कौन से अंकल जी कह रहे हैं, कौन से अंकल जी कह रहे हैं, अरे अंकल जी आप लेट कर रहे हैं, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि उनको वहीं गोली मार देना चाहिए, और उसके बाद खुद ही कह रहे हैं कि अगर गोली मार देते तो हम सवाल उठाते। और इन्होंने कहा कि वो भगत सिंह थे, भगत सिंह जी के इनके, मैं क्या कह रहा हूँ, उनके एक नाखून के बराबर नहीं है, इनकी उम्र भी हो गई होगी तो भी पता होगा, इतना नहीं पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता भगत सिंह के बारे में। पता होता ना, इतने जनों के बीच में ऐसी बातें नहीं करते। जनाब अगर पता होता ना ऑफ कैमरे का, और तुम कम्युनिस्टों के अगेंस्ट हो, बीजेपी कम्युनिस्टों के अगेंस्ट है, और कोई बोल दे कि भगत सिंह कम्युनिस्ट नहीं थे, मैं मतलब भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे। भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे जेल में, इसका मतलब नहीं निकला। हो सकता है जो चाइना का हितैषी हो, कम्युनिस्ट वही होगा जो चाइना का साथ देगा, बस चाइनीज कम्युनिस्ट जो है इस, जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग और चाइना वाले, ये कम्युनिस्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये इनसे इंसान यही मिलेगा आपको, किसी ना किसी की न्यूज में मिलेगा, ये सबके विरुद्ध और सबके हर बात में ऑब्जेक्शन उठाएगा। इसकी शक्ल देख लो, कल भी ही मिलेगा, परसों ही मिलेगा, तरसों ही मिलेगा, ना मिले जो पकड़ लेना पालिका बाजार के अंदर में, ये यही घूमेगा, ये यही घूमेगा। फिर कहते हैं विरोध, अरे अरे सुनिए, पर्सनल है, मेरे डिबेट करिए, अरे मेरे सवाल मुद्दे पर आइए। संसद में जो घटना हुई, कहा जा रहा है कि वो लोग बेरोजगार थे, परेशान थे, इसलिए उन लोगों ने ऐसा। अरे कितने बेरोजगार हैं यहाँ पे, वो तो नहीं दंगे कर रहे, वो तो नहीं दुकानें मार्केटें लूट रहे, वो नहीं बैंक लूट रहे, सिर्फ ये 3 बंदे बेरोजगार हैं, उन्होंने वो कर दी, सिर्फ वो बेरोजगार हैं, जिसका टिकैत भी अभी समर्थन कर रहा है जी, हम तो उसको छोड़ दो, नहीं तो हम जगह जगह चक्का जाम करेंगे। क्यों भाई, उस लड़की के बारे में क्यों तुम बोल रहे हो? यानी के तुम्हारे साथ मिली वक्त है ना, क्यों तुम उसका समर्थन कर रहे हो? है कह रहे देश में बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए सबको ऐसा करना है। यार पालिका की दुकानें तो लूट नहीं रहे, कितने बेरोजगार हैं, हाथ उठवाइए, बेरोजगार हैं, हाथ उठवाइए, लूट रहे, ये तो बेरोजगार, हाथ उठाइए, कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए, बस एक अंकल ही बेरोजगार है, ये जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे, इनके पूरे जो भी है सब बेरोजगार रहेंगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, एक तो बिजनेस है बहुत बड़ा, क्या कर रहे, मेरा तो कुछ नहीं करता ना, मैं बेरोजगार हूँ, तो फिर यहाँ कैसे घूम रहे हैं, क्या करूँ, कहाँ घूमूँ, बढ़िया कपड़े पहन के, जूते पहन के बेरोजगारी से लड़ूँ, मेरे बाप के दिए हुए ना,
मेरे फादर के दिए, उस समय बेरोजगारी नहीं थी। अच्छा, अभी बेरोजगारी, अभी बेरोजगारी है। मैं नहीं दे पा रहा अपने बेटे को। अच्छा, ये मेरे बाप ने दिया था, तुम्हारे बाप ने जाते वक्त फोन दिया था जब मुन के टाइम में था ही नहीं फोन। बताओ तो मेरे फादर है? है ये जूते, मैं ये जूते तुम्हारे फादर के टाइम में थे ही नहीं, ये जूते भी देखे क्या? ये जो ये जूते मेरे का, सुनो इनको पूछ लो, अगर बीजेपी सरकार नहीं रहेगी तो ये यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते। 10 साल के बाद खड़ा नहीं हो सकते, मैं लिख देता हूँ, बीजेपी है इसलिए ये खड़ा है। 20 सालों से कनाट प्लेस आ रहा हूँ, ये क्या बात है, यहाँ नहीं खड़े हो सकते बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी? कोई भी सरकार रहेगी मैं यहाँ खड़ा होगा। 10 साल के बाद इतना पैदा हो जाएंगे तुम यहाँ खड़ा होने के लिए, कोई बोलेगा बोल नहीं सकते। बीजेपी भी सरकार बंद कर रही है क्या? ये देखो ना, ये मतलब क्या चाहिए कांग्रेस, क्योंकि इनके अभी ना कपड़े सबके उतरने वाले हैं, जितना भ्रष्टाचार करने वाले हैं तुम्हारे नियत है सब। अब देखो कहते ना मेरे को, मेरी बात सुनो, मैं गलत हूँ तो मेरे को कोई उंगली उठाएगा तो मेरे को तो सबसे ज्यादा चिढ़ने लगेगी। साफ बताऊँ क्या कहेंगे भाई साहब, युवा है, तमाम युवाओं से बात करें, क्या बेरोजगारी की समस्या है देश में? बेरोजगारी तो सर कहीं भी नहीं है, अगर है ना मोदी जी ने कितनी अच्छी स्कीम दी अभी रोजगार की, और उसकी बात कर रहे थे अंकल, बोले कि इनकम सरकार देगी नहीं, तो जाके गृह मंत्रालय की साइड पे देखिए, युवाओं के लिए इतना कुछ भी विदाउट इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट पे आप है ना पैसे दे रहे हैं, और हाँ बिल्कुल, और 35% भाई साहब गृह मंत्रालय पे जाके देखिए, और 35% ऑफ भी है उसमें रिफंड में, कि आप अगर है ना पैसा लोन वापस करते हो तो 35% आपको नहीं देना पड़ेगा, केवल 65%, और इससे अच्छा क्या चाहिए अंकल को? वो जो झाटू प्रसाद होते ना जो कुछ कर नहीं सकते वो बोलते हैं बातें, तो जिसके पास टैलेंट है वो तो कहीं पे भी कमा लेगा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो अपना खुद का काम करता हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई मैंने की भी नहीं है, फिर भी 1000 रुपए कमाता हूँ। अंकल जी कह रहे बुलाइए, अंकल जी बेरोजगार खड़े हुए हैं। आप पूछे तो 1000 रुपए कैसे कमाते हो, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, तो ये बात नहीं होती ना बेरोजगारी वाली। मैं बेरोजगार हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, LLB कर रखी है, और मैंने BEd कर रखी है, और ये देखो मैं चप्पल में घूम रहा हूँ, मैं सही बताऊँ। अरे 20 हजार आज 20 हजार का नहीं है ये, मैंने ये EMI पे लिया, मैं बता दूँ, मैं अरे फालतू की बात सुनो, मैं बात बता दूँ, बेरोजगारी इतनी है, सुनो मेरे पास, मैं BEd की उससे मैं कहाँ नौकरी लेने जाऊंगा, कहीं नौकरी नहीं मिल रही मुझे, कहीं कितने भरे तुमने अब तक, कितने जगह? मैंने कई जगह फार्म बारम निकले ही नहीं रहे, कहाँ नौकरी निकली? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ कोई वैकेंसी निकली टीचर की मुझे बता दो। हाँ BEd बाहर और कर दिया से, उसने सुप्रीम कोर्ट ने, बताओ बेरोजगार घूम रहा है भाई। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताना, GRADUTA TI, बस करो। ये क्या ग्रेजुएशन किए हैं आप सबको पता चल गया हो? एक मिनट सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, अरे रुकिए, अरे चले गए, अरे क्या बता दे, स्पेलिंग में मिस्टेक क्या थी वो बता दो। हाँ गूगल कर लो, कौन जानता है क्या है। हाँ तो नौकरी नहीं मिली तुम्हें? अरे नहीं मिली ना, नहीं यही है ना, नौकरी मिलने के लिए वहाँ रोजगार मिल ही नहीं रहे। अच्छा। क्या रोजगार मुझे ये बता दो, कोई यहाँ इतने हैं मुझे ये बता दो, क्या रोजगार यूपी सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोजगार रियलिटी में प्रोवाइड किया है मुझे? कहेंगे क्या रहे कि बेरोजगार है भाई साहब, मुझे कहाँ पे बेरोजगार? LLB किया है, कह रहे संसद में ऐसा काम तो होगा ही जब लोग बेरोजगार होंगे। बेरोजगार जो अखिलेश यादव टोटी चोर और कांग्रेस के नेता पप्पू जैसों को समर्थन करेंगे ना, वही लोग बेरोजगार रहेंगे। बाकी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना चाइना से आके किसी ने बनाया क्या? वहाँ पे ईट लगा, सीमेंट लगा, उसके बाद इंजीनियर लगे, लेबर लगे, वो सब कहाँ से लगे? उनको रोजगार नहीं मिला? LLB वाले भैया सुन तो लो, उसके बाद होटल खुला है वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिला, गाड़ी से आ रहे, ट्रक से आ रहे, बस से आ रहे, वो सब रोजगार नहीं मिला। हर तरफ अगर देखने जाओगे तो रोजगार है ऐसा, नौकरी नहीं लगा। अरे जो टोटी चोर का समर्थन करेंगे, जो खुद ही चोर है उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये लोग ऐड किया हुआ है, क्या BEd किया, टीचरों की भर्ती नहीं निकल रही है। BEd का सर फुल फॉर्म बता दे, BEd का फुल फॉर्म बता दे, BEd का बैचलर ऑफ एजुकेशन भाई साहब, उसके बाद भी तुम्हें नहीं मिला? क्या नहीं मिला उसके बाद भी? रोजगार नहीं मिला? अच्छा रोजगार चाहिए, मैं 20,000 का रोजगार दूंगा, करेंगे मुझे भगवत गीता एक श्लोक सुना दो, मैं 20,000 मुझसे ग्रेजुएशन। अच्छा चलो इसका ग्रेजुएशन पूछा, जवाब दू, मुझसे LLB पूछा जा रहा है, मुझसे ये सब पूछा, जवाब तो सुनाइए सुनाइए। मैं इतने लोग खड़े यहाँ पे, मैं खुल के बोलता हूँ मुझे भगवत गीता का श्लोक नहीं आता, उसके पीछे कारण है, मुझे आज तक कांग्रेस ने अपने इतिहास के बारे में पढ़ाया नहीं, वो लोग बाबर पढ़ा रहे, औरंगजेब पढ़ा रहे, अकबर पढ़ा रहे, अरे तुम हमें क्या पढ़ाओगे कि हमारे दशरथ
दशरथ प्रभु श्री राम जी थे, हमारे पिताजी हमारे पूर्वज श्री कृष्ण थे, ये सब कब बताओगे तुम? हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया ना भैया, तो हमें कहाँ से याद रहेगा? हमें तो मुगल के बारे में पढ़ाया गया था, हमें तो मुगल के बारे में पढ़ाया गया था, इसके लिए मुझे नहीं पता। चलिए मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए, मेरा मुद्दा है। अरे मुद्दे पे आ जाइए यार, कहाँ मुगल पे जा रहे हो? पढ़ाया नहीं गया, इन्हें जानकारी भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की नहीं, ऑटोमेटिक हो गई जानकारी, है ना? जैसे जैसे इन्हें ये सब जानकारी घर से इन्हें ग्रहण की है, तो भाई घर से आप भगवत गीता भी ज्ञात कर सकते हैं, रामायण भी ज्ञात कर सकते हैं। सुनो सुनो, इन्होंने तुलसी माला पहनी हुई है, कांग्रेस ने, इन्होंने किसके बारे में? मुगल के बारे में। गीता का 64वां श्लोक बताओ, भगवत गीता का 64वां श्लोक बताओ, क्यों आ गए तुलसी माला पहन के? आ गए ना तुलसी माला पहन के? भैया मेरी आस्था है, मैं तिलक लगाऊंगा, पहले नहीं लगाता था, पहले सेक्युलरिज्म का चूरन खाता था, लेकिन सुनो सुनो, मुद्दे पे आ जाइए यार, मुद्दे पे आइए, पहले भाई मुद्दे, चीज गवर्नमेंट बनी। देखो भैया, मैं भाई फनफद में जो हुआ उस कार्रवाई को कैसे देख रहे? कह रहे कि वो लोग बेरोजगार थे इसलिए कदम उठाया गया। एक जमाना था 2001 का, था ना, संसद में गोली चल गई थी, कितने सारे हमारे जो अंगरक्षक थे वो सब मर गए थे। आज बता रहा हूँ, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने, आप घुसपैठे मानते हैं? आप घुसपैठे? अरे कल भी कैसे, अरे सुने सुने, आप मूक दर्शक थे, मूक दर्शक, दर्शक, अरे उससे क्या है, घुस कैसे गए? ये लीक ऑफ सिक्योरिटी है ना, ये कहाँ से? भगत सिंह मानते हैं? घुसपैठ के थे भगत सिंह? नहीं घुसपैठ के उस दिन भी थे 2001 में, ये भी थे, सरकार भाजपा की पहले भी थी, अब भी है, सरकार भाजपा के नेताओं से करो, कैसे देश सुरक्षित हाथों में है? कैसे देश सुरक्षित हाथों में? अच्छा क्या सुरक्षित हाथों में नहीं है? कैसे है? अच्छा तुम्हारे घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया क्या? इनका नाम पूछो पहले। अरे भैया संसद की बात, मैं संसद की बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू, मेरे पुरखे भी हिंदू थे, मैं पहले मैं किसी से डरा हूँ ना, आज डरता हूँ, मैं पहले भी नहीं डरते ना, अभी बोल रहे थे खतरे में है, अभी बोलते नहीं डरता हूँ, देख लिया दोगलापन, अभी बोल रहे थे हम खतरे में, अब बोल रहे हैं मैं नहीं डरता हूँ। भैया संसद में 2001 में गोली चल गई थी, वो हम सबको पता है, और उसी बहाने, और कल हम सब ने देखा संसद में सांसदों ने वो दो चोरों को पकड़ पकड़ के कूटा, वो किसी को नहीं दिखा, पकड़ के आतंकवादियों को पकड़ के कूट दिया जाता है, वो किसी को नहीं दिखा, लेकिन दो लोग घुस गए, वो लोगों को नजर आ गया, और भैया वो लोग घुसपैठिए नहीं थे, उनके पास विजिटर पास था, बकायदा पास लेके आए हुए थे भैया, तो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि भैया उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, होगी इस तरह की सुरक्षा। तुम ही बोलोगे क्या एक घंटे से? क्या नाम है आपका? प्रेम उपाध्याय। प्रेम उपाध्याय। प्रेम जी क्या लग रहे हैं जो संसद में घटना हुई इसको कैसे देख रहे हैं? मैं ये जो जा रहा है इसको बना देना था वहाँ चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर, तब वहाँ से नहीं होता, हाँ इसको बनाना था चीफ सिक्योरिटी, इसको चाहिए सिंह से तुलना कर रहे हैं उनकी, कह रहे भगत सिंह यार ये क्या करेगा, ये थैला लेके आ जाता है। कहना चाहता हूँ राम मंदिर जाके प्रसाद बेचो, वहाँ पे बेरोजगार मिल जाएगा, सही बताऊँ तो हम तो बेरोजगार ही नहीं है, हम तो बेरोजगार ही नहीं है सर, ये तो हजार रुपए कमा रहा है, हजार रुपए कमा रहे, ये देखो अभी जो खरीदेगा हमें प्रॉफिट मिलेगा, को भी रोजगार दे दो, बेरोजगार जो जो काम नहीं करने वाले होते ना, रहने वाले कहाँ के? एमपी, एमपी से यहाँ का करने आए, काम करने आए, रोजगार एमपी में नहीं था, नहीं हमें तो यहीं एमपी में रोजगार नहीं मिला आपको? क्यों हमें तो यहीं पे रहना है, हमारी नहीं नहीं एमपी में रोजगार नहीं मिला आपको? और हिंदुस्तान में ही तो काम कर रहा है वो, एमपी से आए चाहे कहीं से भी आए, हिंदुस्तान अब इनका ये कर रहा है, कांग्रेस टाइम में तो नहीं रोहिंग्या मुसलमानों को घुसा के हिंदुस्तान में नौकरियां दी है, वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आप कहाँ से आए हैं इनसे पूछिए, ये कहाँ से आए हैं इनसे पूछिए, यहीं से आप भाई बहन दिल्ली से? यहीं से है, हाँ यहीं से, यहीं से, यहीं से, यहीं से, यहीं से हूँ, यहीं से हूँ, नोएडा से, यहाँ से नहीं, नोएडा से। दिल्ली में क्या कर रहे हो? नोएडा से दिल्ली में क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा एमएनसी नोएडा में है, तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं ये? सबसे ज्यादा एमएनसी कंपनी, सबसे ज्यादा फैक्ट्रिया दिल्ली में है, नोएडा में कहीं भी कर सकता है, क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब मैं तो कहना चाहता हूँ बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, मगर ये चीज है क्या, जागरूक है बंदा, पहले जागरूक नहीं था, इन्होंने गुमराह कर रखा था कांग्रेस ने, अब तो कर रखा क्या, ऑनलाइन सारा काम हो गया है, तो संसद में लोग घुस रहे हैं, कह रहे कि परेशान है इसलिए संसद में घुस गए, कह रहे कि बेरोजगार थे, परेशान थे। देखो ये तो लड़ाई करने का मौका ढूंढते हैं, लड़ाई करने का मौका ढूंढते हैं, कांग्रेस के टाइम में भी बंदा काम करता था और बीजेपी के टाइम में भी काम करता बंदा।